हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी थी, बट आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि आजकल मैं बिज़ी थी थोड़ा। और इस दिन की फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है, जो लोग मुझे वहाँ फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये दोनों लोग आराम से पड़े हुए हैं सुबह सुबह उठ के, स्लीपी स्लीपी मूड में। मैं बोलती हूँ चलो चाय वाय पियो, दिन की शुरुआत करो भाई। इनको तो फोन देख के फोन ही चाहिए था। यहाँ समझाया जा रहा है कि टीवी भाई चला दो, नहीं तो चाय नहीं पीने दूंगी। छुट्टी का दिन था तो हम लोग काफी लेट से ही उठे थे, तो इनको जल्दी से कुछ खिला देते हैं और अपने लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं पालक की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल होती है ये बनाने में और बहुत हेल्दी भी होती है। अब बस इसके साथ हम बना लेंगे थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा राइस। और ये है हमारा सिंपल सा और हेल्दी सा लंच। तो यहाँ बगल में ही एक बहुत ही अच्छा सा पार्क है, हम वहीं जा रहे हैं। और यहाँ ईशानवी को बहुत टाइम बाद बहुत खुली खुली जगह मिली है, तो वो भागे दौड़े जा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाए किधर नहीं। इतने बड़े पार्क में इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, ये सीधे रोड पे भागना चाह रही थी। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था सच्ची में। फिर हम लोग सोच रहे थे इनको कहाँ से हम लोग लेके आ गए यहाँ पे। यहाँ फूल के पास छोड़ा गया तो उनको फूल ही चाहिए था, और यहाँ छोड़ा गया तो वो फिर बाहर रोड की तरफ भागने लगी। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको ऐसा बीच में लेके आ गया, वहाँ पे पार्क के अंदर बिल्कुल बीच में सब बहुत ही अच्छा सा जगह था, तो यहाँ से वो ज़्यादा इधर उधर भाग नहीं सकती थी। यहाँ पे मस्त ये खेल रही थी, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। ऐसे कोविड की वजह से तो बच्चे बिल्कुल कैद होके रह गए हैं। बच्चों का यही होता है कि उनको भाग दौड़ के खेलना होता है बस इधर उधर, कोई खुली जगह नहीं मिलती है। अभी घर के अंदर कैद होके रह जाते हैं, तो अभी उसको बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे खुली खुली जगह में। और वो पहली बार ऐसे खुली जगह में आई भी थी तो एकदम खुश थी। और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं और इनको कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है इनको देख के। आँखों का एकदम सुकून सा ही मिल जाता है। केसेस भी काफ़ी कम आ रहे हैं अभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा सा नॉर्मल सा फील हो रहा है अभी, उतना भी बिल्कुल नॉर्मल तो अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन जो ही है तो वही अच्छा लग रहा है कि अभी चलो सब लोग बाहर तो घूम सकते हैं, थोड़ा सा लोगों का चेहरा देख सकते हैं, नहीं तो वही घर के अंदर बिल्कुल कैदी से बन के रह गए थे। 2019 के बाद शायद ये पहली बार ही होगा जब हम लोग ऐसे घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वो फीलिंग बता नहीं सकते कि क्या थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे बच्चों को देख के लग रहा था यहाँ पार्क में। एक तरफ था जहाँ पे पूरा पार्क वाला जो सेटअप होता है बच्चों का खेलने वगैरह के लिए वो था, तो वहाँ पे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। पर हम उधर गए नहीं क्योंकि हमें लगा कि चलो इधर ही घूमते हैं जिधर लोग कम हैं या लोग नहीं हैं। इधर बिल्कुल लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, ज़्यादातर भीड़ उधर ही थी जहाँ पे बच्चे थे। और अभी हम चलते हैं घर वापस, बहुत टहल लिए। और यहाँ ऊपर बादलों के बीच से प्लेन जा रही है।
और जब घर वापस आए तब बहुत अच्छी बारिश होने लगी। बारिश में हमें पकोड़े खाने का मन हुआ, तो फटाफट से पकोड़े भी बन गए। पकोड़े जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम चटनी भी बना लेते हैं। और बारिश के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, मज़ा ही दोगुना हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।